दोस्तों कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ में ये अगला वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि पिछली वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी आप इंजॉय करोगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। तो आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एबाकस की तुलना में निपियर्स बोन कौन कौन से काम अधिक कर सकता था? आंसर होगा इसका बी, जोड़ना और भाग देना। अगला प्रश्न है, मई 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद किस अनुसंधान केंद्र की कंप्यूटर प्रणाली पर पाकिस्तानी टैंकरों ने हमला किया था? आंसर होगा इसका डी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है, एक 4-बिट डाटा वर्ड क्या कहलाता है? आंसर होगा इसका डी, निबल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को किसकी मदद से घटा या बढ़ा सकते हैं? आंसर होगा इसका ए, टर्बो स्विच। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप प्रयोग करने वाले प्रथम कंप्यूटर का नाम बताएं? आंसर होगा इसका सी, बाइनरी एटॉमिक कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, बेसिक लैंग्वेज का विकास कब हुआ था? आंसर होगा इसका ए, 1964 में। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के DRDO के एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप द्वारा निर्मित कंप्यूटर का नाम है? आंसर होगा इसका ए, पेस। अगला प्रश्न है, सीडैक ने कंप्यूटर द्वारा देवनागरी लिपि को पहचानने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया था, उसका क्या नाम है? आंसर होगा इसका बी, देवनागरी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन DOCR। अगला प्रश्न है, सीडैक कहाँ स्थित है? आंसर होगा इसका डी, पुणे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कब स्थापित किया गया था? आंसर होगा इसका बी, 1961 में। अगला प्रश्न है, ईमेल के लिए जरूरी चीजें क्या हैं? आंसर होगा इसका कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन। अगला प्रश्न है, www का पूर्ण रूप क्या है? आंसर होगा इसका सी, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, डाकघर की तरह
काम करने वाले उस उपकरण को क्या कहते हैं? तो डाटा पैकेज को गंतव्य का पता बताता है। आंसर होगा इसका बी, रूटर। अगला प्रश्न है, एक सामान्य सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितनी अवधि की होती है? आंसर होगा इसका ए, 4 से 20 नैनो सेकेंड। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? आंसर होगा इसका ए, 1980 में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आपके लिए और बेहतरीन प्रश्नों का एक समूह लेकर के आएंगे। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर दर कितनी होती है? आंसर होगा इसका डी, 5 गीगाबाइट प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग रफ्तार सबसे तेज है जो मल्टी प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग करता है? आंसर होगा इसका बी, सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है? आंसर होगा इसका बी, संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से। अगला प्रश्न है, फैक्स के चालन के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा इसका बी, PSTN। अगला प्रश्न है, LAN LAN डाटा कम्युनिकेशन से संबंधित नेटवर्क है या किसका संक्षिप्त रूप है? आंसर होगा इसका ए, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, विद्युत संकेत की तुलना में किसका बैंडविड्थ ज्यादा चौड़ा होता है? आंसर होगा इसका बी, प्रकाश तरंग। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर निर्माता का क्या नाम था? आंसर होगा इसका बी, सीमूर क्रे। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग स्पीड के माप की इकाई क्या है? आंसर होगा इसका सी, गीगा फ्लॉप्स। अगला प्रश्न है, वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डाटा फाइल को नष्ट कर देते हैं तथा प्रोग्राम फाइल को खराब कर देते हैं, साथ ही हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर भी खराब कर देते हैं, क्या कहलाते हैं?
आंसर होगा इसका डी, वायरस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को भी अभिव्यक्ति के लिए भाषा लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर के प्रोग्राम की भाषा भिन्न भिन्न किस्म की होती है, इनमें से एक है मशीन लैंग्वेज, यह क्या है? आंसर होगा इसका बी, बाइनरी अंकों के रूप में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम। अगला प्रश्न है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? आंसर होगा इसका डी, माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? आंसर होगा इसका बी, भीतरी। अगला प्रश्न है, विंडोज एमई में एमई से क्या शब्द बनता है? आंसर होगा इसका ए, मिलेनियम। अगला प्रश्न है, रैम किस तरह की मेमोरी है? आंसर होगा इसका डी, मुख्य। अगला प्रश्न है, एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा इसका बी, पोर्ट। तो दोस्तों ये रहे 30 प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कंप्यूटर के अच्छे से अच्छे प्रश्न मिल सकें। और दोस्तों जाते जाते हो सके तो स्क्रीन के नीचे देखिए एक सब्सक्राइब की बटन है रेड कलर की, उसको प्रेस कर दीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन की बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर रोज़ एक बेहतरीन वीडियो अपलोड की जाती है जिसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।